सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद पूरी कहानी बताते हैं मामला क्या है। कुशीनगर में भीषण अग्निकांड से भारी तबाही, घर समेत सारा सामान जलकर राख, पुरानी रंजिश का शक, ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के जुड़े रहे हरेंद्र शर्मा के साथ। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में बीती रात एक भयावह अग्निकांड ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम थारीभार के टोला इंदरपट्टी में रात करीब 12 बजे अचानक आग लग गई, जिससे सलीम अंसारी के घर समेत घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। तेज बारिश के बावजूद आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही घंटों में पूरे घर को राख में बदल दिया। पीड़ित सलीम अंसारी पुत्र हदीश अंसारी ने पुलिस थाने में तहरीर देकर जानकारी दी कि घटना रात करीब 12 बजे की है, जब उनके घर के दरवाजे को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा खटखटाया गया। दरवाजा खोलने से पहले ही सलीम ने घर में आग की लपटें देखी, जो तेजी से फैलने लगी। पीड़ित के अनुसार किसी पुरानी रंजिश के कारण उनके घर को जलाने की साजिश की गई है। उनका कहना है कि घटना के समय उनके परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर सो रहे थे, लेकिन समय रहते सभी ने घर से बाहर निकलकर जान बचाई। ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया और पीड़ित सलीम अंसारी से विस्तृत जानकारी ली। पुलिस ने आशंका जताई है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित षड्यंत्र हो सकता है। फिलहाल पुलिस इस घटना की गहनता से जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा घटना स्थल पर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी। आग लगने के कारण सलीम अंसारी का घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। घर के अंदर रखा सामान जैसे फर्नीचर, कपड़े, नकदी, आभूषण और अन्य कीमती वस्तुएं सब कुछ जलकर राख हो गए। इस अग्निकांड से पूरे गांव में मातम छा गया है। लोग सलीम अंसारी के घर के पास जमा हो गए और परिवार को सांत्वना दी। घटना के बाद से गांव के लोग डरे हुए हैं और सभी इस घटना को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सलीम अंसारी का किसी से कोई पुराना विवाद नहीं था, लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या और द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर कृत्य कर सकते हैं। सलीम अंसारी और उनके परिवार ने पुलिस प्रशासन से दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है, ताकि वे दोबारा अपना घर बना सके और जीवन की पटरी पर वापस लौट सके। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और हर पहलू को ध्यान में रखकर कार्रवाई कर रही है। अब देखना यह है कि पुलिस कितनी जल्दी इस मामले को सुलझा पाती है और दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा करती है। आपका क्या नाम है? साहबुद्दीन साहब। ये जो आग लगा था उस वक्त आप लोग थे, जानकारी हुआ? टाइम हम बिस्तरे पे सोए थे और जब बिस्तरे पे एक बार देखे कि आग का पूरा आग जैसे जल रहा है, तो हम घर में से दरवाजा खोल के भागते हुए बाल्टी उठाया और वहाँ पे एक बाल्टी डाला और लग गया चिल्लाने, चिल्लाते चिल्लाते आदमी एक आध इधर से आया है, एक आध आदमी इधर से आया है, तब आग एकदम जैसे पेट्रोल के जैसे रुक नहीं रहा था, उसके सामने कोई जा नहीं रहा था, जैसे सामान बच पाया हो। उनका एक भी सामान नहीं बचा है, बकरी तक भी नहीं बचा पाए हैं, एक भी सामान नहीं बचा है। मौजूद थे हम लोग, मौजूद थे। आग बुता रहे थे कैसा? ऐसा लग रहा था आग जैसे पेट्रोल डाला हो। अच्छा, उसमें जाने का आदमी पता नहीं था, आदमी जा पाए उसके अंदर। बारिश भी हो रहा था, इतनी बारिश, बारिश हल्का हल्का बारिश, बारिश हल्का था लेकिन ज्यादा बारिश नहीं था। सब आग था, बहुत आग बहुत तेज था। क्या नाम है आपका? सलीम नाम है। घर मतिया घर। एक कौन सा ग्राम सभा है? ये इंदरपट्टी ताद। इंदरपट्टी ताद है। क्या हुआ है? सब घर जला है? कैसे जला है? घर ना आग ही जलाए थे और ना कुछ जलाए थे, ऑटोमेटिक को पीछे से पूरब साइड से आग पकड़ा है। अच्छा। और पकड़ने के बाद से बस हम गए वहाँ लाने, बकरी थी तीन और बकरी लाने के लिए गए थे, तब तक आग हमारे पास पहुँच गया तो हम छोड़ दिया, बकरी तीनों जल गई, उसके बाद सारा सामान जल गया। रात बारिश भी हो रहा था ना? हाँ, रात बारिश हो रहा था और इतने बारिश के बीच आग कैसे पकड़ लिया? घर में कुछ खाना वाना बना था? कुछ नहीं, खाना वाना कुछ नहीं बना था, कोई आग कुछ नहीं जला था। इसमें खाना वाना नहीं बनता? नहीं, खाना नहीं बनता था। अब बिजली का? बिजली का भी नहीं, बिजली का भी वहाँ जहाँ से आग लगाया वहाँ बिजली भी नहीं। अच्छा, क्या था ऊपर? कटरैन था? कटरैन था ऊपर, नीचे नीचे टाट था। तो क्या बजे घटना? लगभग 12 बजे का, रात्रि 12 बजे। 12 बजे
कोई सामान नहीं बच पाया, कोई कुछ नहीं बचा है, कपड़ा तक नहीं बचा है। कितने तक का लगभग अनुमान तक कितने तक का नुकसान हुआ आपका? लगभग 2-3 लाख रुपए का तो नुकसान हो गया है। अभी प्रशासन को आप सूचना दिए थे, प्रशासन आया था अभी, हाँ क्या आश्वासन मिला आपको? तो लोग बताए कि भाई आकर अपना वो एप्लीकेशन यहाँ लिखवा दीजिए। थाना कौन सा पड़ता है? बिशनपुरा। कब की घटना है चाची? 12 बजे रात में। कैसे आग लगा था? अब कोई खाना उन्हें बंद होने लगा, घर से खाना आने लगा, जब बनाई ले होइए नहीं। अब यहाँ पे आप ही लोग रहते हैं? हाँ। बस दो ही आदमी हैं। अब बकरी 3 बजे जरूर बच जाएगी, भूमि जरूर, सरसों जरूर, सब और ना भी कपड़ा लाते जरूर।